तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। मैं आज फिर से एक नया वाला वीडियो लेके आ चुका हूँ और इस वाले वीडियो में हम लोग बातें करने वाले हैं जो अभी जितने भी इन्फॉर्मेशन आया है तो उसके ही अकॉर्डिंग है जो KTM RC 390 का ही जो न्यू मॉडल है। तो ये न्यू मॉडल को ही बहुत जल्दी हम सभी लोगों को देखने को मिल सकता है इसी इंडियन मार्केट में KTM कंपनी की तरफ से, और बहुत जल्दी कहने का मतलब ये दिसंबर के महीना भी हो सकता है। तो वीडियो को पूरा देखते रहो। आज के इसी वीडियो के अंदर हम लोग इसी न्यू बाइक के ही लॉन्च डेट के ही बारे में बातें करने वाले हैं और ये भी जानने वाले हैं कि क्या कुछ एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट अभी सामने आया है और क्या कुछ फीचर्स अभी इस बाइक के अंदर रहने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखते रहना। तो मैं हूं अंकुन कर्मकार, आप देख रहे हो कर्मकार अंकुन ब्लॉग्स। तो वीडियो को पूरा देखना, शुरू करते हैं आज के वीडियो। जो जितने भी अभी कुछ इन्फॉर्मेशन आए हैं इसी न्यू KTM RC 390 के ही न्यू मॉडल का ही लॉन्च डेट के बारे में, तो अभी तो बताया यही जा रहा है कि ये जो न्यू मॉडल है ना तो ये इसी दिसंबर महीने में ही लॉन्च हो सकता है। लेकिन अगर डिले भी होता है तो भी ये बहुत तो देरी नहीं होगा, ये बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है। मतलब कि देखो भाई, ये तो ईयर तो अभी खत्म हो ही गया, अभी न्यू ईयर आने में और कितना ही देर है, मतलब ज्यादा तो देरी तो है नहीं। तो इसी वजह से ये जो बाइक है ना, ये दिसंबर में अगर लॉन्च भी नहीं होता है तो फिर भी ये जनवरी या फिर फरवरी के ही महीने के आसपास के समय पर ये बाइक लॉन्च होने वाला है इसी इंडियन मार्केट में। तो ये तो अलग है, लेकिन इन सब के अलावा भी इसी बाइक के अंदर देख ही सकते होंगे एक न्यू लुक के साथ न्यू मॉडल। तो ये जो लुक है ना, ये देखने के बाद मैंने भी खुद ने भी बोला था कि ये जो लुक है ये पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा कुछ पसंद नहीं आया। मतलब कि पुराने वाले जो KTM RC 390 का जो लुक था वो ही मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया था। लेकिन भाई, इसका ही जो 200 वेरिएंट आया है ना, मतलब कि RC 200 जो आया है, तो उसके ही लुक को अगर आप लोग सामने से देखोगे तो भाई आप लोग समझ जाओगे कि ये जो न्यू लुक है ये बहुत ज्यादा एक प्रीमियम सा लुक है। और ये RC 200 के ही इसी न्यू लुक को जब मैं सामने से देखा तो भाई ये देखने में मुझे बहुत ज्यादा एक बढ़िया सा ही लुक लगा। मतलब कोई भी ऐसा बुरा वाला कुछ फील नहीं हुआ। बाकी तो इसी बाइक के अंदर आप लोग देख ही सकते होंगे जितना भी लाइट्स का सेटअप दिया गया है तो वो सारा का सारा ही एलईडी लाइट्स में ही है। और इसके अलावा इसी बाइक के सामने आपको डुअल एलईडी प्रोजेक्टर लाइट के जैसा ही कुछ देखने को मिलने वाला है। बाकी तो इसी बाइक के अंदर आप लोग देख ही सकते होंगे जो मीटर कंसोल दिया गया है तो वो पूरे तरीके से डिजिटल मीटर कंसोल है जो कि कलरफुल डिस्प्ले के साथ आता है। और इसके अलावा भी इसी बाइक के अंदर आपको सामने भी डिस्क ब्रेक और पीछे भी डिस्क ब्रेक, साथ में डुअल चैनल ABS का सपोर्ट देखने को मिलेगा। और इसी न्यू वाले मॉडल के अंदर भी कुछ कुछ चीजें ऐसे रहने वाले हैं जो कि भाई बहुत ज्यादा अपने आप में ही बढ़िया हो जाता है। जैसे कि इस बाइक के अंदर आपको स्विचेबल ABS देखने को मिलेंगे और इसके अलावा आपको कॉर्नरिंग ABS का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। बाकी इसी बाइक के अंदर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा और इसके अलावा भी इसी बाइक के अंदर आपको क्विक शिफ्टिंग वाले ऑप्शन भी देखने को मिलेंगे। बाकी इसी बाइक के अंदर जो मीटर कंसोल के बारे में मैंने अभी बताया तो वो भी ब्लूटूथ इनेबल है। और इन सब के अलावा भी इसी बाइक के अंदर आपको सामने अपसाइड डाउन फोक्स और पीछे मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिल जाएंगे जो कि प्रीलोडेड एडजस्टेबल है। बाकी तो इस बाइक के अंदर आपको जो इंजन देखने को मिलेगा तो वो है एक 378 cc वाला एक सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन, जिसके अंदर आपको जो मैक्सिमम पावर देखने को मिलेगा तो वो है 43.5 bhp के ही आसपास। और इसके अंदर जो मैक्सिमम टॉर्क आपको जो देखने को मिलेगा तो वो है 35 Nm। और इसके अंदर आपको 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स देखने को मिल जाएगा। तो यही था कुछ मेन मेन इन्फॉर्मेशन इसी न्यू KTM RC 390 के ही न्यू जनरेशन के बारे में। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल देना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। सब्सक्राइब करने के लिए इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप नया नया वीडियो हर दिन देख सकते हो मेरे चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।